हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी प्रेग्नेंट हो और आप भी सोच रहे हो कि क्या हमें प्रेगनेंसी में अनार खाना चाहिए या नहीं? फ्रेंड्स और फ्रेंड्स, अनार मीठा और बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है। अनार के दाने ही नहीं बल्कि अनार का जूस भी बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपको भी अनार बहुत पसंद है लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेगनेंसी में आपको कितनी मात्रा में अनार खाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम आपको प्रेगनेंसी में अनार खाना चाहिए या नहीं और प्रेगनेंसी में अनार खाने के फायदे नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अनार में विटामिन और खनिज पदार्थ होते हैं जो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। प्रेगनेंसी में अनार खाने के कई लाभ होते हैं। अनार विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है और विटामिन सी खाद्य पदार्थों में आयरन बनाने में भी मदद करता है। विटामिन सी आयरन को सोखने में शरीर की मदद करता है और शरीर में पर्याप्त आयरन और विटामिन सी होने पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का खतरा होना कम होता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो अनार फाइबर का भी अच्छा स्रोत होता है और प्रेगनेंसी में फाइबर लेने से कब्ज और पाचन तंत्र में भी अन्य समस्याएं से हमें राहत मिलता है। और इसके अलावा प्रेग्नेंट महिला के लिए अन्य जरूरी मिनरल्स पोटेशियम भी बहुत जरूरी होता है। रोज अनार का जूस पीने से शरीर में पोटेशियम की पूर्ति होती है और प्रेगनेंसी में होने वाली ऐंठन में राहत मिलती है। और प्रेगनेंसी में अनार खाने से जो बच्चे के मानसिक विकास के लिए फोलेट बहुत ही जरूरी होता है, वो हमें अनार के जूस से मिलता है। एक गिलास अनार के जूस से रोजाना ही फोलेट की जो आवश्यकता होती है 10% तक पूरा हो जाता है। और फोलेट भ्रूण के जो न्यूरल ट्यूब और तंत्रिका तंत्र के विकास में भी मदद करता है। इससे बच्चे का मस्तिष्क का विकास सही तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि हम कितना अनार खा सकते हैं। तो हम 56 ग्राम से लेकर 226 ग्राम तक रोजाना हम खा सकते हैं। लेकिन प्रेग्नेंट महिला के लिए अनार के सेवन को लेकर कोई मात्रा निर्धारण नहीं की गई है और बेहतर होगा कि आप वयस्कों के लिए बताएं कि मात्रा कम से कम अनार सेवन करें। मतलब कि आप अगर एक अनार का भी डेली सेवन करते हैं तो आपको बहुत ही फायदा हो सकता है। और प्रेगनेंसी के दौरान अनार का सेवन सावधानी पूर्वक करना चाहिए, वरना इसके बजाय नुकसान भी हो सकता है। अनार का जूस कुछ दवाओं पर असर कर सकता है और प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की जटिलताओं से बचने के लिए वो डॉक्टर से अनार के सेवन के बारे में पूछना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अनार में कैलोरी ज्यादा होती है, इसलिए जरूरत से ज्यादा अनार खाने की वजह से प्रेगनेंसी में वजन बढ़ सकता है। और प्रेगनेंसी में अनार के सप्लीमेंट या अर्क के सेवन को लेकर कोई रिसर्च नहीं की गई है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इन्हें लेने से बचें और इसकी बजाय अनार के बीज और का ताजा जूस पिएं। और किसी अन्य फल या सब्जी की तरह अनार का अधिक सेवन भी हानिकारक हो सकता है और अनार के बीज ज्यादा खाने से दांतों का एनेमल खराब हो सकता है। और इससे बचने के लिए अनार खाने से पहले चीज खा सकते हैं, वहीं अनार खाने के बाद कुल्ला भी जरूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।